हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों क्वेश्चन आप सामने है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी और सीबीटी की जो 2 की जो एग्ज़ाम अभी चल रही है, ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला कि इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम प्रश्न देखने को बार बार मिलते हैं। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो किसी भी तरह का प्रश्न फंस सकता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो सभी एग्ज़ाम में आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन आप सामने, देखिए किसी कूट भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड और 637 का अर्थ है वी आर बैड और 558 का अर्थ है गुड एंड बैड, तो एंड का कोट क्या होगा? ये चार ऑप्शन आप सामने कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए यहाँ पे कहा इसने कि 256, देखिए 256 इसको क्या कोड दिया है, यू आर गुड, देखिए यू आर गुड, ठीक है, और 637 इसको कोड दिया वी आर बेट, ठीक है। अगला 358 358 को क्या कोड दिया, गुड एंड बेट, गुड एंड बैड, ठीक है। अब दोस्तों अपनों को पूछा है एंड का कोड क्या होगा, अब दोस्तों एंड कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए, अब इसको अगर सोल्व करना चाहें अपन, देखिए इस बैड से बैड कट गया और इस गुड से गुड कट गया, कटा आपका एंड बच गया, यहाँ पे आपका एंड यहाँ पे बच गया। अब देखिए यहाँ से इस 3 से 3 कट गया और इस 5 से ये 5 कट गया, बचे क्या 8, तो एंड का कोड क्या होगा, 8 होगा दोस्तों, एंड का कोड क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह आपके सामने आ ही गया होगा, ठीक है, बिना लिखे भी आप यहाँ पे भी इसको काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आप सामने देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अगर ऐसे त्रिभुज अगर काउंट करना हो तो आप किसे बड़े आसानी से कैसे काउंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, इसके अंदर त्रिभुज बने हुए हैं और एक त्रिभुज बाहर भी, दो त्रिभुज बाहर भी बने हुए हैं, तो इससे जुड़े हुए बने हुए हैं। देखिए इसको काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ नहीं करना, 8 × 2 कर दें, 8 × 2 कितना होगा 16, अब 16 तो हो गए, तो अगर आप 16 को राइट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बना हुआ है, तो इसको अगर काउंट करते हो 1 2 1 2 और यहाँ से यहाँ तक मिलते 3 ही अभी हो गए, तो 16 और 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो बहुत सारे बच्चे 19 को राइट करके चले आते हैं कि 19 हो गया, जल्दी जल्दी 19 को राइट कर देंगे तो उनका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें और अभी छुपे हुए जो आप अभी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखते हैं और छिपे हुए कहाँ पे, 19 तो हो गया। देखिए ये जो 2 है और 4 है, इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रायंगल और बन रहा है, इसी तरह 1 और 5 से एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये वाला है ना, ये वाला एक ट्रायंगल 1 2 3 भुजा और बन रही है, तो 1 और 2 ट्रायंगल और इसमें ऐड हो जाते हैं, तो 19 में 2 21 हो जाते हैं, तो 21 अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सोल्व कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन आप सामने इस तरह से आ सकते हैं, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, 3 है 5 है, ये 15 है 24 है, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। देखिए 3 से 8 बने तो क्या जोड़ा होगा दोस्तों, देखते हैं, 5 जोड़ा 5 में 3 8 हो गया, 8 से 15 बने तो क्या जोड़ा होगा दोस्तों, 7 जोड़ा, यानी कि 2 प्लस करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ 5 है 7 है, तो 7 में 2 कितना होगा दोस्तों, अगर 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस करना पड़ेगा, तो 15 और 9 कितना होगा 24, बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर यहाँ 9 प्लस किया तो यहाँ वो क्या प्लस करेंगे दोस्तों, 2 बढ़ा के प्लस कर रहा है, तो 9 2 11 प्लस करना पड़ेगा, जब 11 प्लस करें तो 4 ने 5 हो जाएगा,
और दो ने तीन, यानी कि 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। किसी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपके सामने, फाइंड द मिसिंग नंबर। और दोस्तों मिसिंग नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे 95, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे देखिए और यहाँ 89 है, 89 है। ठीक है, यहाँ पे 89 है। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे होगा, अगर 95, अगर इसमें 10 ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर 10 प्लस करते हैं तो 105 हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर 10 प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा और 8 ने 9, 99 हो जाएगा। 99 किसी ऑप्शन में आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये ट्रिक इसमें फॉलो नहीं करेगी दोस्तों, कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ 91 आ रहा है, 99 नहीं आ रहा, एक कम। तो क्या ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक ढूंढना पड़ेगी। ये जो लास्ट वाला जो अंक है, लास्ट वाला अंक 9 है, इस 9 से एक अधिक प्लस एक, 9 से एक अधिक कितना होगा, 10। तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, 10, यानी कि 95 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लास्ट वाला अंक कौन सा है, 8 है, इस 8 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इसी 9 को इस पूरे में ऐड करो, 91 में 9 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 8, हंसी लाया 1 8 9, ये 98 आ गया। तो यहाँ आखिरी वाले अंक में, इसके आखिरी वाले अंक में एक प्लस किया और जो आया उसको वापस इसमें जोड़ा, इसी तरह इसमें एक प्लस किया और जो आया इसमें वापस जोड़ा, तो 91 बन गए। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अपना राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 से 30 कैसे बना, इसे 8 से क्या बनेगा, 8 से आगे क्या बनने वाला है। देखिए 5 का अगर स्क्वायर करें, देखिए यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे कुछ और ट्रिक, बहुत कठिन ट्रिक फॉलो हो रही है। देखिए दोस्तों अगर 5 का अगर स्क्वायर करें और प्लस अगर 5 करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 5 बराबर 30, ये तो हो गया। अगर 8 का स्क्वायर करें तो 64 प्लस, अगर ये 8 जोड़ दें, सॉरी प्लस 5 जोड़ दें इसमें, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5, तो 4 5 9 6 69, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके 5 जोड़ा, इसका भी स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया, तो 8 8 64 और 5 जोड़े तो 69। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे तरह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप समझ नहीं रहा, 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 96 रुपये हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। इसमें पूछा दोस्तों दर परसेंट पूछा है, क्या पूछा है, दर परसेंट पूछा है। ठीक है, तो दर परसेंट पूछा है तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। दर होता है दोस्तों आर, यहाँ पे दर क्या होती है दोस्तों, आर होती है। आर इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर अगर ज्ञात करना हो तो आर इज इक्वल टू 100 और स्क्वायर यहाँ पे डी बटा पी ये होता है। आर स्क्वायर बराबर आर इज इक्वल टू 100 √ d/p होता है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 100 तो है ही सही और यहाँ पे डी मतलब डिफरेंस कितना है, 96 रुपये का डिफरेंस है और पी यानी प्रिंसिपल 15,000 रुपये। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन दोस्तों सोल्व कर करना, काटना अगर चाहेंगे अपन तो इसको अगर 4 से काट दें तो देखिए 4 2 8 और 4 4 16, 4 से कट गया। अगर ये 4 से काटना चाहे तो कटेगा दोस्तों, देखिए चार से नहीं कटेगा, इसको 3 से काट के देख लेते पहले, तो वो 3 2 6
तीन तिया नौ तीन दून छः बत्तीस आगे ऊपर मोने तीन पंजे पंद्रह एक दो तीन सी ऊपर लग गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर दो से काट दो तो सोलह आ गया और यहाँ दो दूनी चार दो पंजे दस दो सी ऊपर यानी सोलह बटे पच्चीस। तो सोलह बटे पच्चीस रूट के अंदर है दोस्तों, ये सौ और सोलह बटे पच्चीस सौ। और अगर 16 का वर्गमूल लेंगे तो ये तो 100 है ही सही अपना, देखिए इंटू 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 2500 का वर्गमूल कितना होगा 50। तो 50 50 दूनी 100 4 दूनी 8 8% इसकी दर आ जाएगी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दो आर बराबर 100 इंटू डी बटा पी रूट में डू बटा पी। जब दो वर्ष है तब ये फार्मूला काम करेगा, तीन वर्ष के लिए फार्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ अलग फार्मूला होगा जिसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो में आप देखना नहीं भूलेगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 क्या कह रहा है, अंकों का योग कितना है दोस्तों 7 है। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 7 है, अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या में अगर और नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो संख्या बताइए दोस्तों, अब संख्या अब ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला ए से अगर चेक करेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7, एक बात तो फल हो गया। फिर कह रहा है कि अंक पलट दो, तो अंक को पलटते हैं 34 है कितना है 34 है, तो 34 को 4 इधर लिखेंगे, देखो अंक पलटेंगे 4 इधर लिखेंगे 3 इधर लिखेंगे, प्लस अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 × 3 = 6, 46 हो गया। तो 46 मूल संख्या की 4 गुनी नहीं हो रही है, 34 का 4 गुना नहीं हो रहा, ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह सभी ऑप्शन को तो चेक करना पड़ेगा। 61 को चेक करते देखें 6 + 1 बराबर कितना हो गया 7, ये तो हल हो गया। अब इसको उलट देते हैं, तो 1 पे 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 जोड़े तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 19। तो इसकी 4 गुनी नहीं हुई, कम हो गई, तो ये भी गलत है। इसी तरह 16 को चेक करते हैं, 16 को चेक करें तो 1 + 6 बराबर 6 × 7 ये तो हल हो गया है ना। अगर इसको अंक को पलटते हैं तो कितना हो जाएगा 61 हो गया, अगर 3 जोड़ेंगे तो 61 × 3 कितना होगा 64 होगा, 61 × 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ठीक है। हो रहा है, इसमें कह रहा है 3 + करने पर अंक नई संख्या तीन जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अगर नई संख्या में 3 जोड़े तो मूल संख्या की 4 गुनी, तो यह 16 है और यह 64 है, बिल्कुल इसका 4 गुना बन रहा है 16 × 64, तो अपना यह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहा दोस्तों, 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एक अंक दो अंक वाले क्वेश्चन आए, ये जोड़ दें वो घटा दें, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से ही उत्तर पर पहुँचे तो बिल्कुल फायदेमंद रहेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबकि कंपटीशन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, देखिए आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शन आप सामने हैं, न तो कमी होगी न वृद्धि, 2% की वृद्धि, 1% की कमी और 4% की कमी, ये चार ऑप्शन आप सामने हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों मैं आपको आज दो ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसकी, जैसे इसकी तीन ट्रिक बनती है इस क्वेश्चन की तीन ट्रिक बनती है, तो मैं आपको तीन नहीं बताऊंगा आज, पहली मेथड बताऊंगा और सेकंड मेथड में दो भी मेथड बताऊंगा, तीसरी मेथड सीखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा जिसका आपको मैं तीसरी मेथड बताऊंगा, पर आज की इस वीडियो में आपको दो ही मेथड बताने जा रहा हूं ठीक है। पहले बेसिक मेथड बताऊँ फिर ट्रिक की मेथड बताऊँ। देखिए आयत, देखिए ये आपके सामने एक आयत है दोस्तों, देखिए ठीक है, ये कह रहा है इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, मतलब मान लो कि लंबाई इसकी 100 है, कितनी है 100 है,
सॉरी हाँ 100 है और ये 50 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये तो आयत की लंबाई चलो अपने मान रखा है ना, तो इससे अगर क्षेत्रफल क्या होगा, इससे लंबाई छोड़े से क्षेत्रफल क्या बन रहा है देखिए, तो लंबाई गुणित 100 × 50 कितना हो गया, 5 × 5 और 1, 2, 3 सिपर लग गई, 1, 2, 3 सिप 5000 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसको 10% बढ़ा दी जाए, लंबाई को 10% बढ़ा दी जाए, तो 100 का 10% कितना होगा दोस्तों, देखिए 100 × 10% = 100, 100 का 10% 10 होगा, तो ये हो गए 110, ये तो कितनी होगी 110 हो गई, ठीक है 10% बढ़ा दी जाए। अब इसको 10% कम करेंगे तो 50 का 10% कितना होगा, देखिए 50 × 10% = तो यानी 5, तो इसमें 5 कम करेंगे कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 110 × 45 बराबर, ये सीपर तो यहाँ लग गई पहले 11×55 का 5 असला 5 11×44 और 44 × 5 कितना होगा 49, तो 4950 4950 ये इतना कम आया, तो सिपर 10 में से 5 गए तो 5 है ना, और 9 में हो गया 0 0 50% कमी, ये बता रहा 50% इसमें कमी होगी, कितनी होगी 50% की कमी। एक ट्रिक तो ये थी, अब दोस्तों मैं आपको बेसिक मेथड ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ट्रिक के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना, ये कह रहा 10% बढ़ेगा 10% घटेगा, तो इसी स्थिति में उसमें क्या होती है कमी होती है, क्या होती है दोस्तों कमी ही होती है, तो देखिए कमी कितने परसेंट होगी देखना है, 10/10 का स्क्वायर कर दो तो 10 × 100/100 100 से 100 कट गया बराबर 1% की उसको कमी होगी, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको दो ट्रिक बता दी, ये ट्रिक से आंसर नहीं बन रहा, इस ट्रिक से आंसर आपका बन गया, तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ये ट्रिक आपको वहाँ भी काम आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में भी काम आएगी, कि यदि एक घोड़े को दो घोड़े को अगर किसी भी चीज़ में अगर बेचने पर एक पे 10% लाभ एक पे 10% हानि होती है तो किस सिस्टम उसको क्या प्राप्त हुआ, तो कुछ नहीं करना, जो लाभ और हानि हो रही है उसको ऊपर लिखे नीचे 10 लिखे और इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये कटने के बाद 1% इसकी आ जाएगी आंसर आ जाएगा, ठीक है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप कैसे इसको सेकंड में सोल्व करेंगे, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो जो दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा इसको क्रय मूल्य बना ले, क्रय वाले को विक्रय बना ले, सी पी सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस और SP सेलिंग प्राइस, तो SP को CP बना लो CP को SP बना लो, तो विक्रय को क्रय बनाएंगे, यानी कि CP कितनी हो गई आपकी, अब क्रय मूल्य कितना हो गया 20 हो गया और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी 16 हो गई, ठीक है क्रय को विक्रय बना ले, विक्रय को क्रय बना ले, तो जो विक्रय उसको क्रय बना लिया अपनों ने और क्रय वाले को विक्रय बना दिया, अब क्या होगा दोस्तों 20 में खरीदी और 16 में बेची, यानी कि आपको 4% की हानि, तो 4/20 × 100/1 20 से काटा 20 × 5 = 20 यानी 20% हानि, तो 20% हानि के हिसाब से ना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।